पिक्सार टाइम में और इस फोटो को बना देंगे हम ऐसा। अगर आप ऐसा फोटो को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टूल वाले ऑप्शन में जाके रिसाइज कर लेना होगा। रिसाइज करने से ये फ़ायदा होगा आपका फ़ोटो HD में सेव होगा, फटेगा नहीं। उसके बाद हम PNG आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाके आप PNG को डाउनलोड कर लेना। हम अपने गूगल पे लगा लेंगे इस PNG को। सबसे पहले हम PNG को हम अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली PNG मैं आपको ये वाला बैकग्राउंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना इसे। उसके बाद आप अपने गिलास के पास इसको लगा लीजिए। गिलास के मतलब वैसे नहीं लगाना आपको, ऐसे जैसे मैं बताऊं वैसे ही लगाना, ऐसे लगा देना गिलास के पास। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करके आप इसको सारा रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद इस पर लगा देना, ये देगी। अब आपके गिलास पर एकदम अच्छी सी शाइनिंग आएगी, एकदम अच्छा से इफेक्ट आ जाएगा। अब आगे वाले हम अपने गिलास पर ले लेते हैं। ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिलास पे थोड़ा इफेक्ट देना है। अभी ये चमक नहीं रहा है, इससे शाइनिंग करने के लिए इफेक्ट देना पड़ेगा इसके लिए। आप इफेक्ट में बताऊंगा वैसे ही डालना है। इफेक्ट डालने के लिए आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन में चले जाना है। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको लास्ट में सैचुरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आपको हाई कर देना है। उसके बाद ये देखिए अब आपको शाइनिंग आ चुकी है। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद फ्यूचर की PNG मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप फ्यूचर की भी PNG डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फ्यूचर की PNG डाउनलोड करने के बाद हम ऐड फोटो पे क्लिक करके हम फ्यूचर की फ़ोटो ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा वेट लेगा, वेट हम लेने देते हैं। आप रिसेंट पे हम क्लिक कर देते हैं और अपने गिल्ली में जाके हम फ्यूचर की PNG भी ले लेते हैं। फ्यूचर की PNG लेने के बाद हम ऐड फोटो पे क्लिक कर देते हैं। अब ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। हम अपने फोटो पे फ्यूचर की PNG लगाएंगे। ये देखिए आपका फोटो आ चुका, फ्यूचर की PNG आ चुकी। अब इस पर आपको ब्लेंड पे क्लिक कर देना आगे और उसके बाद स्क्रीन पे लगा देना है और उसको बड़ा करके सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक कर देना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फेस से PNG को हटा देना है और बाहर मत हटाना, अपने फेस को हटा देना तो अच्छा लग रहा है फोटो। वैसे ही आपको फास्ट कर देना है ये। ये करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फेस को करना है स्मूथ, ठीक है। आप फेस को थोड़ा सा स्मूथ करके उसको स्मूथ के लिए आपको ब्यूटीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला ब्यूटीफाई का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्मूथ पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना आपको। स्मूथ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फेस पे आ जाना है और फेस पे अपने पूरे फेस पे चला देना है। थोड़ी थोड़ी स्मूथिंग आ रही है हमारे फेस पे, ये स्मूथ कर देना हमें अच्छे से। अब ये अच्छे से स्मूथ करने के बाद ये देखिए पूरे फेस पे हम कर चुके हैं। उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। अब राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपने फेस को करना है एकदम थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना अपने फेस पे। एडजस्ट पे क्लिक करके आपको थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देना है। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद सैचुरेशन पे चले जाना, उसको थोड़ा कम कर देना है। कम करने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इरेजर पे क्लिक करके सारा रिमूव कर देना है। सारा रिमूव करने के बाद आपको फेस पे चला लेना तो ये देगी एकदम क्लीन फेस हो रहा है आपका। अब ऐसे ही करना है आपको। ऐसे करने के बाद आपको अपने पूरे फेस पर चला लेना अच्छे से। एकदम आपका चेहरा स्मूथ भी हो गया और आप फेस भी आपका थोड़ा स्मूथिंग दे रहा है। पूरे फेस पर कर लेंगे हम अच्छे से। नेक भी जगह नहीं रह जाए, नेक भी रह जाती जगह तो बेकार लगता है।
ये करने के बाद राइट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, राइट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना। उसके बाद आपको हेयर स्टाइल को करना है चेंज। ठीक है, हेयर स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चल जाना होगा हेयर स्टाइल, हेयर की भी पेन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देखूँगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अब हम अपना हेयर ले लेते हैं, हेयर की पेन ले लेते हैं और अपने हेयर पे अच्छे से सेट करेंगे उसे। सबसे पहले हम अपनी पी एन जी भी ले लेंगे, पी एन जी नीचे हमारे, और उसके बाद ऐड फोटो पे हम क्लिक कर देंगे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद हम अपने हेयर को अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद हमें इरेजर पे क्लिक कर देना होगा। अच्छे से सेट करने के बाद हम इरेजर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सारा रिमूव कर देंगे। सारा रिमूव करने के बाद अपने हेयर पे चला लेंगे ताकि पूरी जगह फैल नहीं जाए। धीरे धीरे हम अपने हेयर पे चला लेते हैं अच्छे से, ऐसे ही आकर सबको चला लेना। अपने सब पूरे हेयर पे चला लेना है। हेयर पे चलाने के बाद आपको राइट वाले थोड़ा और रह गया है, थोड़ा करने के बाद हम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका हेयर मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आपके हेयर से मैच नहीं हो रहा है। हेयर करने के लिए आपको टूल वाले ऑप्शन में चले जाना है, उसके बाद एडजस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना, इसे मैच करेंगे ना अपने वालों से, और कॉन्स्ट्रेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद इरेजर पर क्लिक करके सारा रिमूव कर देंगे। सारा रिमूव करने के बाद हम अपने हेयर पर चला लेंगे, इससे जो होगा आपके हेयर मैच होगा आपके हेयर से, तो ये फोटो अच्छा भी लगेगा आपका। ये देखिए, उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और ऐसे एडिटिंग में लाता ही रहता हूँ। अगर आप मेरी एडिटिंग वीडियो देखोगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद हम फोटो को हम सेव कर लेंगे।